हरिद्वार मेयर अनीता शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कंपनी द्वारा भूमिगत गैस पाइपलाइन डालने के लिए काम रुकवा दिया। इस दौरान मेयर अनीता शर्मा ने आरोप लगाया है कि मंत्री के इशारे पर बिना नगर निगम की अनुमति लिए कंपनी ने शहर की सड़कों में गड्ढे खोद डाले, रोड कटिंग का टैक्स दिए बगैर सड़क खोदकर पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है। नवबारा समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना ढिंगरा। परमिशन में मेयर जी के हस्बैंड उनके पास व्हाट्सएप कर चुका हूँ। मना कर रहे हो तो? नहीं नहीं, परमिशन है लेकिन उसमें क्या है, जो परमिशन मिल किया है तो दिखाइए। परमिशन में लिखा है काम करने की अनुमति का, काम करने की रोड कटिंग की जो अमाउंट जमा होता है जी जी, वो क्या अमाउंट मैं क्लियर नहीं हूँ। नगर निगम में इसमें हरिद्वार जीरो गैस का परमिशन है, उससे हम लोग काम कर रहे हैं, इसी पे काम कर रहे हैं 2016 से लेकर। ये जो गड्ढे जगह जगह आप लोगों ने कर दिए जी जी, आप भारतीय रेस्टोरेशन मेरे अंदर में मैं यही करता हूँ। तो ये जो जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं ये क्यों नहीं कर पाए? अभी तो जिसमें ज्वाइंट है वही वाला गड्ढा खुला हुआ है, बाकी और सारे गड्ढे अभी तो क्लोज हो चुके हैं। एक दो इस रोड पर एक दो गड्ढे खुले हैं, बाकी वो हरिद्वार में गड्ढे खुले हैं जी जी। उन्हें भरने जहाँ जिस गली में आपने काम कर दिया उस गली को क्लियर क्यों नहीं किया गया? क्लियर हो रहा है, अलग अलग ठेकेदार हैं, सारे लोग अपने अपने एरिया को क्लियर कर रहे हैं। देख रहे हो पूरी सड़क खोदते गए रखी है इन लोगों ने और निगम से भी कोई परमिशन नहीं है इनकी। अभी हमें बुलाया इन्होंने, सभी जनता यहाँ खड़े थे क्योंकि इनकी देखो ये टेलीफोन लाइन भी काट दी है, मतलब ये सोच नहीं रहे कि कौन सी लाइन जा रही है, उसे तोड़ने से मतलब है। तो इतना ध्यान तो रखना चाहिए, जिसको भी जो भी कोई अधिकारी इनके साथ है उनको देखना चाहिए यहाँ पे भी आके कि ये क्या कैसे तोड़ रहे हैं। आप पूरे शहर को देखिए, पूरा शहर ही तहस नहस हो रखा है, कहीं गैस लाइन डल रही है, कहीं बिजली की लाइन डल रही है। तो ये किसकी परमिशन से हो रहा है, किसने क्या कर रखा है इसने कि मतलब पूरा शहर ही खोद रखा है, हर व्यक्ति गड्ढे में ही गिर रहा है। और मैं तो कहूंगी कि शहर विकास मंत्री जी को उन्हें खुद से हम देखना चाहिए कि भाई ये शहर कैसा, हरिद्वार शहर है और आने वाला कुंभ भी है और अभी तक कोई इसमें बनने का, तो अभी आप देख रहे हो कोई बन ही नहीं रहा है, अभी तक खुद ही रहा है, तो कैसे कुंभ होगा, कैसे लोग चलेंगे सड़क पे। तो गैस लाइन वाले हैं गेल, हाँ जी गेल कंपनी वाले, तो हम उसी से ये कह रहे थे कि भाई किसकी परमिशन से आप लोग यहाँ आए हो, आप लेटर दिखाइए हमें, आपको मतलब रसीद मिली होगी जो काटने की रोड कटिंग कर रहे हो आप कहाँ से आए हो? तो वो कह रहे कि मेरे पास तो है नहीं है, तो मालिक के पास में है रसीद। तो हमने अभी काम रुकवा दिया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि पूरा सड़क में गड्ढा हो और भरा जाए। मैं कहूंगी कि वो पहले गड्ढे भरिए, आप पूरे शहर के अंदर आपने गड्ढे भर खोद रखे हैं, आप देख रहे हो किस तरह बीमारी फैली हुई है, पहले कोरोना हो रखा है अब डेंगू हो रखा है, तो इसमें बारिश से पानी भरेगा तो डेंगू फैलेगा। तो मैं चाहूंगी कि जैसे भी गड्ढे अब खोदे हैं ना, इन्होंने तुरंत भर देने चाहिए इनको, जो भी इनका मालिक है उन्हें हमारे पास आना चाहिए, हमारे से मिलना चाहिए कि किसकी परमिशन से आप लोग खरीद।